क्योंकि हमारे एवं जी के बड़े खूबसूरत बड़े प्यारे लंबे लंबे बालों वाले हर दिल की धड़कन रांझा है हमारे साथ मौजूद। राझा मुझे जल्दी से आपने बचपन की याद बता दे सुना दे। बचपन की मेरी बातें वैसे तो मैं तुम्हें कहती कि मुझे गाना सुना दो, मुझे राझा तुमने मुझे वही गाना तो वही हमें याद है। गाना तो हमें गाना आज आपका नहीं सुनाता, आपको वही कहानी सुनाता हूँ कि एक छोटा सा बच्चा था जिसके घर वाले मेरी गोद में छोड़ के गए थे। मैंने पाल पोस के बड़ा किया, नाम आपको उसका वैसे ही पता, मैं किसका किसका कह रहा हूँ, जिन्होंने इस वक्त आपको मोबाइल पकड़ा हुआ और इस वक्त लाइव है, मैं उस शख्स की बात कर रहा हूँ। लाइव है और एक्सक्यूज मी कैमरामैन किधर चले गए हैं आप, देखिए कैसा मैं आवाज हूँ, क्या मैं मेरी बात हो रही है, जिस जान की हमारी बात हो रही है, हर दिन अजीज जिगर राजे का जिगर गुर्दा फेफड़ा बिल्कुल मेरे दिलों की धड़कन है चाचू स्लीम। तो गुड़िया से बात करें, गुड़िया क्यों चुप है? हेलो बेटा, वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, रांझा साहब बिल्कुल ठीक ठाक है, आप बताएं आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत ही मजा आ रहा है, आप यूँ कह रहे हैं बहुत ही, मतलब मेरा जो शौक था ना वो पूरा हो रहा है। बस शौक आपका वहाँ जैसे पूरा, उसके बाद फिर आपने हमारे पास आना, दूसरा शौक आपका इधर रुका हुआ है, वो शौक आपका इधर हम पूरा करवाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह वहीं पर ही आएंगे, आपको तो पता है वो तो मेरा सबसे बड़ा ड्रीम था। बस वो आपका ड्रीम था, आपके फादर का ये ड्रीम मैंने पूरा किया था और अब आपका ड्रीम भी मैं ही पूरा करूंगा। एक मिनट, मेरे फादर का ये ड्रीम आपने पूरा किया था? जी, वो ऐसा हुआ क्योंकि ये छोटे से थे ना, ये तो 2 साल के थे जब मैं तो उसका मीडिया में था जिस वक्त आपके डैडी 2 साल के थे, तो उनका काम फिर मैंने ही पूरा करना था बेटा। मुझे तो लग रहा है वो 2 साल में नहीं थे जब आपसे मिले, आप 2 साल के होंगे जब आपसे मिले। नहीं वो तो आप लोग तो बिल्कुल ही मेरे बच्चों की तरह हो ना, पर ये जो आपके साथ बैठी हुई है ना, ये उम्र में हम दोनों से बड़ी, मेरे से भी बड़ी और आपके फादर से भी बड़ी, कम से कम 50 साल। इतनी भी नहीं है हमारी आरजे सुंदर सियार, 50 साल की आपने बना दी है, आप कैसी बातें कर रहे हैं। आरजे सुंदर सियार 50 साल की ही है और ये 100 साल के बाद फिर सांप बन जाएगी। चले हमें आप इन सब बातों को तो साइड पे करें, हमें बोला जरा शाहनूर है ना, आपका सॉन्ग भी सुना हुआ, शाहनूर को शानूर क्यों नहीं बच्चे, आपके लिए मैं गाना सुनाता हूँ कि जीता था जिसके लिए, जिसके लिए मरता था एक, उसके बाद फिर वो मर गई, वो मर गई, हाँ वो मर गई, और अब मैं इंतजार कर रहा हूँ कि आप कोई और आए ताकि उसके लिए मैं मरूं। Oh my God. हाँ ये बहुत दुखी स्टोरी है, आप अपने डैडी से पूछिएगा, उस टाइम वो स्कूल में पढ़ा करते थे जिस वक्त वो फौत हुई थी। मैंने तो सुना था जब आप मुझसे मिले थे आपकी शादी होने वाली थी और आप बाल करवाने के लिए कर रहे थे। शादी की शादी शादी तो अभी हुई नहीं, शादी तो अभी हुई नहीं, अभी तो रिश्ते ढूंढ रहे हैं। क्योंकि मैं मेरा दिन था पहले आपके बाबा की शादी करवाता, ठीक है, फिर आगे बच्चों की करवाता, फिर मेरी तो चलो अभी मैं तो अभी जवान हूँ, ठीक है, आप लोग तमाम लोग ही मेरे से बड़े हैं, ठीक है, तो मैं तो अभी आराम से करूंगा 20-30 साल बाद। बस बस हमारे रांझे साहब के लिए अगर कोई लड़की हो कीजिए, रब्ता करते जाए मुझे बताना, मैं उस वक्त उनके घर जाके बैठ जाऊंगा कि मुझे घर दवा करा। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग अपनी नशियात जारी और सारी रखें इस अपने पन के साथ कि आप लोग अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखेंगे। आप शानूर है, आज आपका पहला प्रोग्राम है, बहुत अच्छा लग रहा है, और आपके साथ जो आरजे सुंदर सियाल हैं, ये तो जब से पैदा हुई है यही काम कर रही है, तो इनके लिए तो ये नई चीज नहीं है, पर आप दोनों इंजॉय करें और वो कैमरा मैन को मेरा प्यार दीजिएगा, वो मेरे बच्चों की तरह। ओके अपना ख्याल रखिएगा। ओके।